Sí, sí. कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। उसकी याद सता रही है। आजा आजा आजा। हेलो। मेरी जाने मन, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कौन है या? हेलो भाई, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राम है भाई। बोलो भाई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो भाई। यहाँ भट्टी दारू का धंधा चल रहा है भाई, आप तुरंत आके एक्शन लीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, ले लूंगा। तुम उसी जगह पर रहना, मैं अपने आदमी भेज दूंगा। ठीक है भाई। टाइम मिला था फोन करने के लिए। आजा मेरी जाने मन। अब क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? अभी तेरी शादी नहीं हुई क्या? नहीं भाई, मेरी बीवी दूसरे के साथ भाग गई। यार तेरी बीवी भाग गई तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मेरे गांव के बाहर में क्वार्टर के लिए 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, तो जरा आप आकर एक्शन ले लोगे तो अच्छा रहेगा भाई। आ जाओ ना जल्दी, आप बोलोगे तो काम हो जाएगा भाई। ठीक है, तुम 20 रुपए देकर जाओ, कल मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा। अभी फोन रखो। ठीक है भाई। सॉरी जाने दो। सॉरी जाने मन, पब्लिक को फोन नंबर देकर गलत कर दिया मैंने। पहले तुम फोन को स्विच ऑफ करो, फिर बात करो। ठीक है, अब तो खुश हो ना। आहा, गर्मा गर्म मजेदार कॉफी। दे दो लीजिए माँ, कॉफी लीजिए। हाँ ये पिताजी, ये लीजिए, मैंने बनाई है। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। राजू। हाँ माँ। एक बात कहनी थी तुझसे बेटा। हाँ कहिए माँ। उन गुंडों से दोस्ती मत कर बेटा, उन गुंडों के कारण ही हमारी ऐसी हालत हुई है। हम मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते, अजीब सी जिंदगी हो गई है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। तुम तो हो बेटा, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए सुमित ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत अच्छा लड़का था वो। बेटा उन गुंडों से दुश्मनी मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों बेसहारा हो जाएंगे। बेटा हमें बेसहारा मत करो। राजू हमें कभी छोड़कर मत जाना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। ए रुक, राजू कहाँ है ये बता। कौन राजू?
ए, हमारे साथ नाटक मत कर वरना उठा के ले जाएंगे। भाई, 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 एक मिनट भाई, ये मेरी बहन है, क्या बात है भाई, मुझसे कहिए। ये राजू से प्यार करती है ना? नहीं भाई, आपको गलत फहमी हो रही है भाई, हम दोनों तो उससे नफरत करते हैं भाई। वो टपोरी ही मेरी बहन को परेशान करता रहता है भाई, कभी उस मेन रोड पर आ जाता है तो कभी इस रोड पर आकर परेशान करता है भाई। बहुत खतरनाक आदमी है वो भाई। हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हमें जाने दीजिए भाई, प्लीज भाई जाने दीजिए। सुन, अगर तूने उसको दोबारा देखा तो मेरे को बोलने का क्या? ठीक है भाई, पक्का भाई, जाने दीजिए भाई। ए, चलो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। चल चल चल। देख लिया ना वो कैसा है, ये सड़क छाप गुंडियों से ढूंढते हुए हमारे पास आ रहे हैं। अब तुम्हारी समझ में आया वो कितना घटिया आदमी है? पता नहीं कब अकल आएगी तुमको। चलो यहाँ से। यार हर जगह ढूंढ लिया उसको, कहीं नहीं मिल रहा है वो। अबे रुको, उसी के जैसा लग रहा है। ए, अबे वो नहीं है यार, चलना। तुम लोगों को कहीं मिला क्या वो? नहीं यार, वो तो हमें कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, जाइए। ठीक है भाई। ए छोटू, हाँ भाई, चाय पिला। ला पिलाना। पिलाता हूँ भाई। भाई चलता हूँ भाई। ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो, मैंने सब जगह ढूंढा। क्यों, क्या हुआ, बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों? आरके के गुंडे लोगों ने सारिका को आते वक्त रोक लिया और उसे रोकने के बाद तुम्हारा एड्रेस पूछकर बहुत टॉर्चर किया उसे। इतने में उसका भाई वहाँ पर पहुँचा और उसे भी डरा कर तुम्हारे बारे में पूछा, उसे धमकी भी दी। अब मैं क्या करूँ, वो और उसका भाई मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें समझाऊंगी राजू, तुम संभल कर रहना, अब मैं चलती हूँ। राजू इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला, चलो चलते हैं भाई। पूरा दिन बर्बाद हो गया, कहीं नहीं मिला वो, कसम से कह रहा हूँ यार। अरे, 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 अरे क्यों बे, कहाँ घूम रहा था तू? अबे हाँ, अबे चल ये ले राजू। एक दंगा ना गुंडागर्दी करता है। पालतू कुत्ते, उस लड़की के पास जाकर मेरे बारे में पूछता है? तेरी इतनी हिम्मत, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो काट डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, भाई माफ कर दो भाई, नहीं नहीं। शाना बन रहा था भाई, वो भाग गया भाई। ये ले चल। क्या हुआ, मुझसे डर गए? पता नहीं ये लड़के मुझे उठाकर यहाँ क्यों ले आए, क्या करेंगे ये सोचकर डर रहे हो? डोंट वरी, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। उस राजू को किसी भी तरह से उठाना होगा। तुम अगर मेरी ये मदद करोगे तो तुम्हें जो भी चाहिए बोलो, ये बंगला, जमीन, जायदाद, कार, ये लड़के सब तेरे हो जाएंगे। उसे मारने में मेरी मदद करो तब मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानूंगा। क्या बोलते हो? ठीक है, राजू को खत्म करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे तो बताओ ना, अभी तो तुम्हें बताया तुम मेरे भाई जैसे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा एक दोस्त है, अगर वो मान गया तो मेरी तरफ से भी ओके। यार के, इतने दिन तुझे मैं मर्द समझता था, आज पता चला है तू तो ना मर्द है। सामने आकर जिगर वाला बन के लड़ेगा ना, ए, तब तुझे मानूंगा कि तू वाकई मर्द है। छोटे बच्चों की तरह मार डालूंगा, काट डालूंगा, उन पे धमकी देने से मैं डरता नहीं हूँ। हिम्मत है तो सामने आके दिखा। ए, 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 राजू, तेरे जैसे बहुत पांडुओं को पैदा किया है और उन्हें खत्म भी कर दिया है, तू क्या कर लेगा मेरा? अरे कमीने, ज्यादा बकवास मत कर, मेरे बारे में तू अच्छी तरह जानता नहीं है। 24 घंटे काफी है मेरे लिए,
तुझे तेरे गैंग के साथ खत्म कर दूंगा, सावधान। ए, तुझे टाइम चाहिए ना, 24 घंटे दिए, मैं तुझे चुटकी बजाते ही खत्म कर डालूंगा, देख लेना। एक बार बाहर आकर तो देख। ए, देख, देख। भाई गाड़ी उड़ा दी आपकी। अबे चूजे, तुझे कभी भी मार सकता हूँ, मेरी गैंग के लड़कों को, अगर तूने उनका बाल भी बाका किया ना तो समझ ले खत्म कर डालूंगा। ए, फेंकू, अब तो पता चला ना मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक सैंपल है बेटा। क्या हुआ, झटका लगा ना? अब तो पता चल ही गया होगा मैं हूँ राजू। आंखें खोलूंगा तो जल जाएगा, हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। उसका स्केच तो अच्छा बना रहा है। तुम्हारे राइट हैंड को टपकाने वाला कोई और नहीं, राजू। मेरा शक सही निकला, लेकिन उसको सामने से कोई कभी भी नहीं मार सकता, पीछे से वार करना पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड के डॉन की एंट्री हो गई है, आज के बाद किसी ने आऊ करने की कोशिश की ना तो हाफ मर्डर फुल मर्डर, आज के बाद सिर्फ डॉन करेगा। अंडरवियर, ए अंडरवियर अंदर रख, चलता हूँ। आज मैं बुटका रवि छुटका रवि सबको टपका कर इधर आयला हूँ। अगर कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आकर मेरे से बात करे, तुम लोग समझे कि नहीं रे? आओ, तुम असल बाप के बेटे हो तो आजा रे, आजा मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन इस एरिए का भाई है। कौन है रे? कॉटन शर्ट ब्लैक पैंट पहन कर डॉन आ गया है, मेरे सामने आओ, चलो। कौन हो रहे तुम लोग, गाने में डांसर्स की तरह फ्रेम में एंट्री कर रहे हो? Who are you? ये पक्या कौन है? क्या पक्या को नहीं पहचानता? इनको बताओ रे चिल्लर। पक्या उर्फ मक्या, पक्या का मतलब पैकअप, मक्या का मतलब डॉन। वो गली के कुत्ते भाग गए तो क्या ये खुजली वाला कुत्ता नहीं भागेगा? ए, जेल में रहकर बहुत सारे डॉन मेरे दोस्त हो गए हैं, तुम लोग तो गली छाप चिंदी चोर हो, क्या बात है बताना? टेल मी आई से। अब ज्यादा बोलो ना तो तेरी पूरी हवा निकाल दूंगा, समझा ना? अबे रवि को तूने ही मारा है क्या? बोल। मैंने नहीं मारा भाई, वो तो लोगों को डराने के लिए ऐसा ही थोड़ा डोल देते रहता हूँ। मैंने ही मर्डर किया कहकर जेल भी चला गया भाई। क्या? मैंने मर्डर नहीं किया है भाई, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। सच बोल। भाई हमको सारी सच्चाई पता चल गई है, हमारे सारे आदमी को उस राजू ने ही जान से मारा है भाई। मत मार, मैं बताता हूँ, तेरे को मारने के लिए उस राजा को बुलाकर तेरा स्केच वो बना रहा है। बता के काटा कहाँ है, बता के काटा कहाँ है, बोल मुंह में क्या ठूसा है, बोल। बोलता है कि नहीं? आर के काटा कहाँ है, अटका आर के का, बता कहाँ है, बता।
नहीं बताएगा तो तू भी जान से जाएगा, बता कहाँ है? नहीं पता, नहीं पता मुझे। बताता कि नहीं? बता। वो लड़की का अड्डा कहाँ है? जैसा स्केच में था वैसा ही हाँ। तू मुझे मारेगा। तू पेन से स्केच बनाता है ना, मैं गन से स्केच बनाता हूँ। तेरे स्वार्थ के लिए तूने कई बेगुनाहों की जान ली, हाथ पैर तोड़ डाले। उन जान की कीमत तू जानता है ना? अब तेरी जान मेरे हाथों में है। तू जान गया है तो कैसे अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है? महानायक, नायकों का नायक, देश के मिट्टी और इस मिट्टी की ताकत सब कुछ मुझ में है। तेरे नीच कर्मों की वजह से तू नजरें चुरा रहा है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम लोगों की आंखों में बचाए, लेकिन इन सारी चीजों से तू कोसों दूर है। तू जैसों की वजह से लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती है ये सोचकर कि तू यहाँ की पैदाइश है। ऊपर वाले ने तुझे यहाँ पैदा किया है तो तुझे खत्म करने के लिए मेरे जैसे कई नौजवानों को पैदा किया है। अब वक्त आ गया है कि इस धरती पर से तेरा बोझ कम कर दिया जाए। राजू, उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दो बेटा, चाहो तो छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटा, इन पापी हाथों से बहुत सारे गुंडों को हथियार बना कर दिए, कितने ही बेगुनाहों की जान गई, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसीलिए उनकी बद्दुआ और आह से ये हालत हो गई। ना तो मैं जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ, ऐसी हालत हो गई है मेरी। इसीलिए तुमको कहता हूँ, अपने ये सब काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम कर लो बेटा। जाने दीजिए पिताजी, ये सारी पुरानी बातें हैं। आपकी देखभाल के लिए मैं हूं ना पिताजी, मैं कोई और काम नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों मैं सोच रहा हूं कि हम सब मिलकर वही पुराना मेरा पसंदीदा काम करें, प्रिंटिंग प्रेस। तो ठीक है, अब से तुम वही काम करो। और वैसे अपना राजू वहां क्यों काम करेगा? क्यों नहीं करेगा, अपना राजू होनहार है, नई तरह से प्रिंटिंग प्रेस ओपन करेंगे। क्या बोलते हो राजू? ठीक है भाई। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। बहुत खुशी हुई बेटा, तुम सब मिलकर मेहनत से काम करो। हम सबके लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। ये बात पहले जाकर सारिका को बताता हूँ। देख तेरा रोमियो बैठा है। चुप ना यार, क्या कह रही है सारिका? देखना। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। चल सारिका मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे कहीं इसकी शादी का तो कार्ड नहीं? प्लीज। अब मेरा क्या होगा? बच गई, शादी का कार्ड नहीं, इनविटेशन कार्ड है। नए सिरे से प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू कर रहा हूँ, प्लीज आपको आना होगा। मैं जरूर आऊंगी। आपसे मुझे एक बात करनी थी। करिए ना। मैंने आपकी फ्रेंड को वो बताया था। ओ, वो क्या? अगर आप हाँ कह दे तो शेक हैंड।
वरना वो कहते हैं ना अंडरस्टैंड। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। अरे यहाँ कौन है भाई, जल्दी आना। बोलिए सर, क्या चाहिए? दो बियर, हाँ। एक बोतल पानी, हाँ। एक चिप्स का पैकेट, हाँ। क्योंकि मेरे भाई पीते नहीं है, हाँ। इसलिए उनको कोल्ड ड्रिंक तुरंत लेके आना। ओके सर। आज तो मजा आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, मैंने सारिका से बात कर ली और हम सब के लिए नए सिरे से प्रिंटिंग प्रेस भी ओपन कर रहा हूँ। मैं माँ पिताजी सारिका को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। इतने दिन जाने अनजाने में बेकार के काम किए, वो धंधा अच्छों के लिए नहीं है, बहुत ही बुरा काम है वो। सही बोले तुम, जो हो गया उसे भूल जाओ, इसी वक्त से हम अच्छे बनकर जिएंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे यार। ठीक है यार, मुझे देरी हो रही है, माँ पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। अरे तुम भी आओ ना। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। और कम पीना, चल बाय बाय। मैं राजू बोल रहा हूँ। ओके, हाँ तू कब आ रहा है? हेलो मशीन। धंधे में नाम करने वाले राजू को खत्म कर दिया। आज के बाद से तुम लोग भी नाम कमाने के लिए अगर ऐसा कोई काम किया तो तुम लोगों को भी एक एक करके सदाशिव जी, इन सब के लिए एक एक बिरयानी मंगाइए। बिरयानी मैंने मंगाई है, किसी को बताना नहीं तुम लोग, ठीक है? क्यों रे, तुम लोगों के लिए बिरयानी मंगा रहा हूं, अजीब लग रहा है क्या? आज बिरयानी खिलाऊंगा, दिमाग खराब हुआ तो एनकाउंटर कर दूंगा, सारी गुंडागर्दी खत्म हो जानी चाहिए। अंदर डालो इनको। एक्सक्यूज मी। यस मैम। राजू कौन से वार्ड में है? आईसीयू वार्ड में है। अभी खतरे से बाहर है। इनके माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इनकी जान बच गई। आइए। डॉक्टर, राजू कैसा है? अब उनकी जान को खतरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ आप जा सकती हैं।